जितने भी हमारे प्यारे साथी फेसबुक चलाते हैं, मतलब फेसबुक के ऊपर वीडियो बनाते हैं, दूसरी भाषा में बोल सकते हैं फेसबुक क्रिएटर हैं। तो साइड में स्क्रीन दिख रही होगी, तो इस पे कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ मैं समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये एक प्रॉब्लम आ रही है, ये फेसबुक के ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं आपको बता देता हूँ कि है क्या ये प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम देखिए, अनफॉर्चुनेटली योर प्रोफाइल हैज नॉट बीन अप्रूव्ड टू यूज इन स्ट्रीम एड्स। बहुत ज्यादा क्रिएटर्स के ऊपर, जितने भी फेसबुक के ऊपर वीडियो बनाते हैं, वो सारे के सारे इसी प्रॉब्लम से फेस हो रहे हैं। कौन कौन, जैसे कि सपोज कीजिए अभी यूट्यूब के ऊपर 1,000 सब्सक्राइब एंड 4,000 घंटे की वॉचिंग टाइम चाहिए होती है, तो ऐसे ही फेसबुक के ऊपर जो भी क्राइटेरिया चाहिए आपको, आपने वो कंप्लीट कर दिया, एंड कंप्लीट करने के बाद में आपने फेसबुक को मोनेटाइजेशन के लिए भेज दिया। अभी हुआ क्या था, किसी किसी क्रिएटर के काफी ज्यादा, मतलब दो दो तीन तीन महीने भी हो चुके थे, ठीक है, कितने, दो दो तीन तीन महीने भी हो चुके थे, उनका कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा जो पेज था या प्रोफाइल थी वो रिव्यू के अंदर ही पड़ी थी। एंड देखो ये जो प्रॉब्लम है, ये मैं आपको बताता हूं अब क्यों आई है। तो सबसे पहले आप यहां पर यही देख सकते हैं, नीचे एक बड़ी इंट्रैक्शन यहां पर लिखी गई है, ठीक है, तो ये लिखी गई है कि एप्लीकेशन ऑन होल्ड, मतलब जो एप्लीकेशन है वो होल्ड पर है, ड्यू टू हाई वॉल्यूम वी कांट रिव्यू एप्लीकेशन राइट नाउ, प्लीज चेक बैक लेटर टू री अप्लाई। अब इन्होंने बोला है, जितने भी क्रिएटर हैं जिन्होंने अप्लाई किया था फेसबुक मोनेटाइजेशन को लेकर, उन्होंने बोला है कि जितने भी क्रिएटर थे सबका एप्लीकेशन हमारे पास आया तो था, लेकिन क्या हाई वॉल्यूम, ड्यू टू हाई वॉल्यूम, मतलब इतने सारे हमारे पास जो है फॉर्म आए, एप्लीकेशन आए मोनेटाइजेशन को लिए, हम क्या करें कि उनको हम काफी ज्यादा चेक नहीं कर पाए किसी भी कारणवश। या तो देखिए फेसबुक के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ चुकी है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग गए होंगे, मतलब जो आपका मोनेटाइजेशन पेज था ना, वहां पर कोई भी वर्क नहीं हुआ फेसबुक की तरफ से, जिससे फेसबुक जो है काफी ज्यादा परेशान हो गया, एंड जो फेसबुक क्रिएटर है वो भी ज्यादा परेशान हो गए। लेकिन अब क्या हुआ है इस चीज को लेकर, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं। तो इन्होंने देखिए लिखा है कि रीअप्लाई करो या लेटर बैक लेटर करना है, इसका मतलब यह है कि आपका जो है रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मतलब रिजेक्ट हो गया फिलहाल के लिए। अब जिनका ओरिजिनल कंटेंट था या जिनका कुछ भी कंटेंट था ना, उन्होंने सभी ने अप्लाई किया, तो सभी का रिजेक्ट किया गया है। आप ये मत समझना कि सिर्फ मेरा ही रिजेक्ट किया गया है, फिलहाल के अंदर तो सभी का यहाँ पर फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ बोला है कि रीअप्लाई, ठीक है, रीअप्लाई, ठीक है, चलो रीअप्लाई के लिए बोला है इन्होंने। अब रीअप्लाई के लिए बोल दिया है, लेकिन रीअप्लाई के लिए इन्होंने कोई भी क्या है, कोई भी रीअप्लाई के लिए, रीअप्लाई के लिए भाई बटन नहीं दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेसबुक में ये हो गई। एंड चलो दूसरी बात, अगर रीअप्लाई का बटन भी नहीं दिया, यहां पर इन्होंने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक आपका रीअप्लाई बटन आ जाएगा, या इस तारीख से लेकर इस तारीख तक आप रीअप्लाई कर दें यहां पर जाकर, ऐसा भी अभी कोई भी सिस्टम इन्होंने नहीं जोड़ा है। लेकिन एक गुड न्यूज है, और गुड न्यूज क्या है, देखिए आपका जो है 8 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर के बीच में एक गुड न्यूज आई थी फेसबुक की तरफ से, वो थी ये मोनेटाइजेशन को लेकर, ये जो प्रॉब्लम आ रही है सभी को। अब इन्होंने बोला है, जो फेसबुक की तरफ से अपडेट आया है, इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि अब जो हम अपना क्राइटेरिया आपसे मांगेंगे, वो सिर्फ आपका उन्हीं कंटेंट का मिले लेंगे हम जो बिल्कुल रियल जेन्युइन है। जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर आप कुछ किसी का कुछ भी नहीं डाल सकते, अभी तक फेसबुक के ऊपर आप बहुत सारी तिकड़मबाजी लगा रहे थे ना, वो अब फिलहाल के लिए यहाँ पर खत्म होने जा रही है। अब सिर्फ आपका ओन कंटेंट, ओन का मतलब खुद का कंटेंट होगा, तो आप इसके पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होंगे, अन्यथा आपको यहाँ पर हर बार पॉलिसी इशू आ जाएगा, ठीक है, क्या पॉलिसी इशू आ जाएगा हर बार की तरह, जैसे कि अभी आया है ना, आपको ऐसे ही बैक बैक करता रहेगा आपके लिए। आपको अब इम्प्रूवमेंट करना है अपने कंटेंट को लेकर, एंड इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, क्योंकि फेसबुक भी काफी ज्यादा परेशान है। अगर फेसबुक के पास ही क्रिएटर नहीं रहेंगे तो फेसबुक भी अर्निंग कहाँ से करेगा, क्रिएटर है तभी आपकी अर्निंग होगी, चाहे फेसबुक हो या क्रिएटर हो, दोनों
का कॉम्बिनेशन ही अर्निंग करवाता है आज सोशल मीडिया के ऊपर। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है कैसे होगी, क्या करना है, वेट कर लीजिए थोड़ा सा। एंड ऐसे ही मजेदार अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देन मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।